दोस्तों, मैं हूं बी सिंह और आप देख रहे हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 टॉपर स्टॉक। टॉपर कैसे बनते हैं और टॉपर की स्ट्रेटजी क्या होती है, सोर्स ऑफ स्टडी क्या होता है, प्लानिंग कैसी होती है, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ये टॉप करना हो, क्रैक करना हो, तो फिर स्ट्रेटजी क्या होती है, आज जानेंगे विनीत जैन से। विनीत है सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन इंजीनियरिंग सर्विस 2023 इन सिविल इंजीनियरिंग। विनीत ने आईआईटी पलक्कड़ से बीटेक किया 2023 में। जी हाँ, बीटेक के फाइनल ईयर के साथ साथ इन्होंने एग्जाम लिखा और इसी साल गेट में भी 2023 में इनका ऑल इंडिया रैंक 11 थी और ईएस में फर्स्ट रैंक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विनीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है क्योंकि गेटिंग फर्स्ट रैंक इन फर्स्ट अटेम्प्ट अलॉन्ग विद द कॉलेज, ये रेयर होता है, बट यू हैव डन इट। विनीत के बारे में मैं और बता दूं कि इनका होम टाउन है बागपत, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके फादर पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड इन EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, वाइजैक में इनकी पोस्टिंग है। और बीटेक करने के बाद देन ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। इन्होंने मेडिजी के 3 तरह के कोर्सेज किए, लाइव ऑनलाइन कोर्स किया मेन्स एग्जाम के लिए, ईएस और गेट के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की सेम 2023 के लिए, और फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी किया। तो विनीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड रियली रिमार्केबल भी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल भी है इस सेंस में, क्योंकि कॉलेज के साथ किया और थर्ड ईयर में भी आपका गेट में 2022 में 28th रैंक है। तो डेफिनेटली आपके पर्सनल एफर्ट्स बहुत हाई रहे एंड द वे यू हैव रीच टू द हाईएस्ट पोजिशन, इट रिफ्लेक्ट्स योर परसिवरेंस एज वेल एज कमिटमेंट। तो विनीत, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, पहली बार आपने कब शुरुआत की? सर, आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन अराउंड मार्च ऑफ 2021। ओके, एट दैट टाइम कोविड वाज गोइंग ऑन, सो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। सो दैट वाज व्हिच ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब कॉलेज, थर्ड ईयर या सेकंड ईयर? सर, आई वाज इन लास्ट सेमेस्टर ऑफ सेकंड ईयर। ओके, सो मार्च में, मतलब हाँ, एंड ऑफ द सेकंड ईयर यू स्टार्टेड। तो यू गॉट द ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। आपने सेल्फ स्टडी करा, फिर जो भी ऑनलाइन सपोर्ट लिया होगा, और उसके बाद फिर आपने कोचिंग में मेंस के कोर्स करा। यस सर। तो इस प्रोसेस में आपको कोई चैलेंजेस फेस हुए? कभी ऐसा लगता था कि ये बहुत टफ है और दिक्कत आएगी, या लगता था कि अरे ये तो डूएबल हो जाएगा? सर, मतलब जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था तो मतलब वैसे मैं पढ़ाई में अच्छा था पहले से, पर मैं कॉलेज में जाके थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो फिर मैंने पढ़ाई से थोड़ा टच छूट गया। पर जब ऐसे कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद मैंने वापस इसमें सिविल इंजीनियरिंग को करना स्टार्ट किया, तो ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट्स लगे थे पर फिर फ्लुएंटली सब ठीक ठाक ही हो गया। क्योंकि मतलब जो मेरा थर्ड ईयर में गेट का 28th रैंक आया था, वो मेरे को काफ़ी पुश किया कि आई कैन डू बेटर नेक्स्ट। सो लाइक कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन के साथ हो गया सर। आप ना सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो। हाँ, यस सर, सेल्फ। वेरी गुड। आप ईएस का टारगेट बना के निकले थे या गेट का, या दोनों को पैरेलल लेकर के चले? सर, मैंने ईएस का टारगेट बनाया था और मेरे को बाद में पता चला था कि गेट एग्जाम होता है, क्योंकि पहले मैंने ईएस का ही सुना था। मेरा एक्चुअली मेरा बड़ा भाई का निकला था आईएएस, तो उससे मेरे को पता चला था, तो मैंने भी स्टार्ट कर दी थी तैयारी। फिर मैंने सोचा कि चलो थर्ड ईयर में भी दे सकते गेट, तो मैंने फिर गेट को फोकस करके थर्ड ईयर में जितना हो पाया उतना किया, उससे मेरी रैंक आ गई। फिर मैंने फाइनल ईयर में फुल फ्लेज तैयारी करी ईएस की। गुड। तो आप अभी बाईजैक में हैं एज ऑफ नाउ और आपने EIL ज्वाइन किया, तो ये गेट के रैंक के अकॉर्डिंग आप गेट के थ्रू गए या अदर एग्जाम दे करके? नहीं, गेट से। गेट से EIL 11th रैंक। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप रैंक 1 है, तो डेफिनेटली आपको पहली चॉइस मिल जाएगी। क्या था प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट? सर, फर्स्ट प्रेफरेंस वाज सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, CPWD। एंड डू यू हैव एनी प्लान ऑफ गोइंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस? है, प्लानिंग है, अभी स्टार्ट नहीं कर रहा। सर, चल रहे हैं, पहले गेट हो गया, अब ईएस हो गया, अब आप सिविल सर्विस की तरफ प्लान कर रहे हैं। वेरी गुड। तो आई विश दैट यू अचीव द टॉप रैंक इन सिविल सर्विस ऑल्सो, और एक बार फिर टॉपर स्टॉक करने का मौका मिले।
ये मेरी बिल्कुल अंदरूनी इच्छा है और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। विनीत, सोर्स ऑफ स्टडी बहुत मायने रखती है और सेल्फ मोटिवेशन बहुत मायने रखता है। सेल्फ मोटिवेशन तो आपने बताया ही, तो सोर्स ऑफ स्टडी के लिए आपने क्या टेक्स्ट बुक्स को भी पढ़ा, या आपने नोट्स के थ्रू पढ़ा, या कैसे प्रैक्टिस कैसे की? व्हाट वाज योर अप्रोच? सर मैंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आई थिंक कि जो मतलब टीचर्स हैं उनके नोट्स ही इतने कंसोलिडेटेड फॉर्म में रहते हैं कि टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली। पर मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबका अलग अलग हो सकता है, पर मैंने नहीं पढ़ी थी टेक्स्ट बुक। तो आपने और नोट्स पढ़े? मेरे साथ नोट्स पढ़े सर, अपने खुद के नोट्स बनाए थे मैंने, हैंड रिटन, ऐसे किसी और के नोट्स नहीं लिए थे, खुद के पूरे सर सब्जेक्ट के नोट्स खुद के बनाए थे। और मेरे हिसाब से सर बाइबल जो है प्रिपरेशन में वो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब आई कांट इवन रिमेम्बर कि मैंने कितनी बार पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए होंगे, तो वो मेरे लिए वही, मैंने सिर्फ वही पीवाईक्यू ही और अपने नोट्स ही फॉलो किए, और मैंने थर्ड सोर्स को यूज नहीं और टेस्ट तो सीरीज को तो लाइक किया। पीवाईक्यू मतलब आपका कहना है रिलीजियसली कर जाओ और घोंट डालो उनको। हाँ सर बिल्कुल, तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली जब आपके कॉन्सेप्ट अगर ठीक हैं लेकिन अप्लाई करने जाओगे तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर स्टैंडर्ड आपको पीवाईक्यू में ही मिलेंगे। विनीत, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जब आपने मेडीजी में गेट और ईएससी की दी, तो आपकी टेस्ट सीरीज में क्या रैंक आती थी? सर मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो मेरे अराउंड मैक्सिमम मैंने 70 टच किया था मार्क्स, 70 मार्क्स टच किए थे 100 में से, तो मेरी रैंक अंडर 50 के करीब रैंक फुल लेंथ टेस्ट में। और इस साल मेरे सर 90 तक टच हुए हैं गेट के स्कोर में, तो मेरी रैंक सर अंडर 5 ही रहती थी गेट में इस साल। पर मैंने थोड़ा सर इसीलिए मिस्टेक्स कर दी थी मेन एग्जाम वाले दिन, तो थोड़ा उसका हो गया। अच्छा, तो फिर भी आप 11th रैंक ले आए, अदरवाइज आप टॉप 5 में वहां जाते। यस सर, ओके। और इंटरव्यू देने जब गए आप यूपीएससी का, तो यूपीएससी के इंटरव्यू में कोई फ्रेशर होने का एडवांटेज मिला, या जॉब में होने का कोई एडवांटेज मिला? किस तरह के सवाल पूछे गए थे? फ्रेशर का तो ऐसा उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, पर मेरे जॉब से रिलेटेड 5 to 10 मिनट्स टॉपिक चला गया था, तो आई थिंक अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो थोड़ा मतलब वी कैन डायरेक्ट अवर इंटरव्यू इन अवर वे समवॉट, बिकॉज दे विल डेफिनेटली आस्क रिलेटेड टू योर वर्क। गुड। तो कोई ऐसी चीजें आप बताना चाहो स्टूडेंट को जो उनको बेनिफिट करें? लास्ट मोमेंट, अब 3 महीने बचे एग्जामिनेशन के लिए, तो लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी, और फ्रेशर्स के लिए जो पहली बार लिख रहे हैं, जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा था, तो ऐसा कोई प्लान ऑफ एक्शन आप बताना चाहें? हाँ सर, प्लान ऑफ एक्शन तो यही है कि मतलब लास्ट जो ये टाइम है इसको सिर्फ पढ़ाई पे ही यूटिलाइज करें, जितना ज्यादा हो सके पढ़ाई करें, और रिवीजन और इसमें फुल लेंथ टेस्ट देना बेनिफिशियल रहेगा, तो फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दें। और आई वुड सजेस्ट टू गिव ऑफलाइन फुल लेंथ टेस्ट अगर ताकि ईएससी की तैयारी है, रियल टाइम ईएससी की तैयारी एक्सपीरियंस कर लें और एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में एग्जाम देने का एक्सपीरियंस हो जाए। ओ एम आर भरें, ओ एम आर प्रिंट करा के ओ एम आर भरें। और क्योंकि मैं तो सर कॉलेज में था तो मैं ऑफलाइन सेंटर पे जाके पेपर नहीं दे सकता था, तो मैं सर प्रिंट आउट लेके टेस्ट सीरीज का उसको और फिल करके 3 घंटे का टाइमर लगा के नोट्स कर सकता। वेरी गुड। तो थैंक यू विनीत, आई थिंक आपके डिस्कशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ आपने तैयारी करके और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फर्स्ट रैंक लाए हैं, तो दिस इज ए रिमार्केबल अचीवमेंट। और जिस तरह से आपने बताया कि आपने नोट से ही पढ़ाया, बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और टेस्ट सीरीज से काम अच्छे से लगाए, और अपने इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करके दिया, एंड मेंस के कोर्स ने डेफिनेटली आपका एक मोरल और बढ़ा दिया होगा। तो मेंस का जो आपने कोर्स किया मेडीजी में, आप लाइव ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे, तो उस समय आप कितना समय दे पाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए? सर एक्चुअली वो टाइम थोड़ा मेरे लिए डिप्रेसिंग हो गया था, क्योंकि मेरा कॉलेज का बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था और मेरे काफी लैब्स छूटे हुए थे, तो वो मेरे को इसी सेमेस्टर में कंप्लीट करने थे। तो मैं मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा, पर मैंने मेंस के को एक या दो टेस्ट दिए होंगे मैक्सिमम, मैंने मेंस का एक भी टेस्ट नहीं दिया, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिंट करा के वो दिए थे मेंस के लिए।
और क्लासरूम में जो क्वेश्चन PYQ को ही मैंने ज्यादा फॉलो किया, और क्लासरूम में जो क्वेश्चंस कराए थे उसको जितना हो सके उसको ट्राई वो किया कि प्रैक्टिस कर लिए कॉलेज हाँ वो प्रैक्टिस कर लो, पर मैं टेस्ट सीरीज ज्यादा नहीं दे पाया था मैं इसके टाइम, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम की वजह से। थैंक यस सर यस यू विनीत एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप दैट कि आप आने वाले सिविल सर्विस में भी ऐसे ही कुछ रैंक लाएंगे और फिर एक बार टॉपर स्टॉक करने का मौका मिलेगा। श्योर मेड सर, इन दी एंड नेक्स्ट IAS आर विद यू। आप UPSC की तैयारी करिए, वी विल सपोर्ट यू। थैंक यू सर, थैंक यू, माय बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू यू एंड टू योर पेरेंट्स। थैंक यू सर।